हमेशा औरों के लिए काम करो और बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। पर सर, जब रियल लाइफ में ऐसा होता है कि वो किसी के लिए कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे लिए कुछ करे, पर जब वो नहीं करता तो बहुत दुख होता है। तो इस चीज को कैसे दूर करें, एक्सपेक्टेशन की फीलिंग को? मनुष्य होने के नाते हम सब अपनी अपनी कमियों में अपने अपने सोच के हिसाब से जीते हैं। हम इसे कोई परिपूर्ण नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट। हम जब कभी भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें प्रतिदान के रूप में अच्छाई मिले, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सिद्धांतों के रूप में कहते हैं जैसे ही अपेक्षा शुरू होती है मनुष्य के जीवन में, वैसे ही मनुष्य दुर्बल हो जाता है। यह दुर्बलता अपेक्षा का ही साधन है, इमेज है। जैसे ही अपेक्षा करते हैं वैसे ही दुर्बलता आती है, और अपेक्षा मुक्त होते हैं तो मजबूत होते, स्ट्रांग होते हैं। एक्सपेक्टेशंस मींस वी गेट वीकेंड। मां अपने बच्चे को पालते हुए कोई उम्मीद नहीं करती, अपेक्षा नहीं करती, इसीलिए मां सबसे सशक्त होती है। सी, मदर इज द स्ट्रांगेस्ट बीइंग ऑन अर्थ, नॉट मियरली फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एनी क्रीचर। मदर इज द स्ट्रांगेस्ट बीइंग ऑन अर्थ बिकॉज सी डजंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑफस्प्रिंग्स। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस सी ट्राइज टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर दोज होम सी इज नर्चरिंग। परंतु उम्मीदों के साथ जीना यह सदैव हमको दुर्बल बनाता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उम्मीद रखते हैं। जब निष्प्रिय भाव से हम कुछ भी करते हैं, किसी के लिए करते हैं, जैसे स्वामी जी ने भी कहा, तो करते हुए में जब हम हाथ खोल कर लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो 1000 बार जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो आप चाहो या न चाहो आपके कर्तृत्व की प्रतिध्वनि होती है, एक ईको होता है, और वो ईको इस वातावरण में, इस एनवायरमेंट में रुक जाता है जो तुम्हारा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। भगवान की तस्वीरों के पीछे एक ऑरा, वाइट लाइट बनाते हैं। जब तुम बिना कुछ मांगे हुए, बिना उम्मीद के किसी के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारा ऑरा बढ़ता है। तुम जब करते रहते हो लगातार तो वो ऑरा बढ़ता रहता है, और जो भी उस ऑरा के टच में आता है वो ऑरा के टच में आने के साथ तुमसे प्रभावित होता है। उसे लगता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के पास आ गए। वही जो व्यक्ति केवल अपनी उम्मीदों के लिए जीता है, केवल स्वार्थों के लिए जीता है, वो एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करता है, और उस नेगेटिव ऑरा के कारण उसके टच में आने वाला व्यक्ति तुरंत परेशान हो जाता है और उसके पास से भागने की कोशिश करता है। तुम्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो तुम्हें पॉजिटिव इंस्टिंक्ट और पॉजिटिव ऑरा मिलता है। वो पॉजिटिव ऑरा तुमको अंदर से शांत रखता है और चारों तरफ एक शांति का बड़ा सा समूह ही बना देता है, एक पुंज बना देता है। जो व्यक्ति भी तुम्हारे पास आता है शांत होकर, प्रसन्न होकर तुम्हारे साथ हो जाता है। इसीलिए बाकी उम्मीदें पूरी हो या ना हो, लेकिन व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट इज इमेंस। जो तुम्हें उसमें से मिल रहा है उससे बढ़कर और क्या मिलेगा। लौट आकर उसने किसी ने कुछ दे दिया या नहीं दिया, वो तो बहुत ही नगण्य है, नेग्लिजिबल है। उसके मुकाबले में जो मुझे मिल जाता है वो इमेंस है, उससे बढ़कर और क्या मिलेगा। उम्मीदों के लिए किए हुए कार्य अपना पुण्य खो देते हैं, बिना उम्मीद के किए हुए कार्य आपका पुण्य बढ़ाते हैं। वो जो पुण्य बढ़ता है वो आपकी डिवाइन पावर को बढ़ाता है, वही आपकी स्ट्रेंथ बना देता है और आपके स्पिरिचुअल पावर के रूप में खड़ा हो जाता है।